देखिए नया टॉपिक आज शुरू करते हैं, कॉनिक सेक्शन। स्ट्रेट लाइन सर्कल को कॉनिक सेक्शन से थोड़ा सा अलग पढ़ा जाता है। कॉनिक सेक्शन बेसिकली पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला, इन तीनों चैप्टर्स को मिलाकर एक कलेक्शन जो है वो कॉनिक सेक्शन कहलाता है। हालांकि कॉनिक सेक्शन की बहुत इस तरह से वो तो नहीं जाएंगे। हालांकि हुआ ये है कि एक कॉनिकल शेप है, उस कॉनिकल शेप को एक प्लेन ने जब अलग अलग एंगल्स पर अलग अलग तरीके से काटा तो जो अलग अलग शेप्स बनी हैं उन्हीं को कॉनिक सेक्शन के अंदर पढ़ा जा रहा है। जैसे पैराबोला शुरू करेंगे तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को चलिए दिखाऊंगा अभी कि पैराबोला किस तरह से बना है। सबसे पहले कॉनिक की डेफिनेशन अपन लिखते हैं कि अगर कॉनिक के बारे में बात करते तो अपन कहते हैं अ कॉनिक इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स such that the perpendicular distance from a fixed line to perpendicular distance from a मैंने पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख दिया, सच दैट द डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स, पहले पॉइंट लिखते हैं, है ना, फिक्स पॉइंट टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस from a fixed line is always constant। माने अगर कोई पॉइंट इस तरह से नाच रहा हो कि उसका किसी एक फिक्स लाइन और फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है, माने मान लो ये कोई फिक्स लाइन है, इस फिक्स लाइन का नाम वैसे डायरेक्ट्रिक्स रखा जाता है, ये थोड़ी सी नॉमेनक्लेचर है कॉनिक सेक्शन का, इसे डायरेक्ट्रिक्स। मान लो ये कोई एक पॉइंट है नाचने वाला एच कोमा के, वेरिएबल पॉइंट जिसका लोकस की बात हो रही, तो इसका यहां से डिस्टेंस और किसी एक फिक्स पॉइंट, ये कोई एस है अल्फा कोमा बीटा, इसको यहां पे फोकस कहा जाता है। यहां से जो डिस्टेंस है तो वो जो पी एस अपॉन पी, इसका नाम एम रख लेते हैं, ये जो पी एस अपॉन पी एम है ये कॉन्स्टेंट के बराबर होता है, यहां पर इसको ई कहा जाता है। दिस ई इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी। पहली बात तो ये है, जब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं लोकस निकालेंगे, एच का इससे डिस्टेंस, इससे डिस्टेंस लिखेंगे, लाइन मान लेते हैं कुछ की, भाई लाइन जो है लेट ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो है। तो इसे तरीके से सॉल्व करते हैं तो एक सेकंड डिग्री की जर्नल इक्वेशन आती है, ए एक्स स्क्वायर टू एच एक्स वाई प्लस का बी वाई स्क्वायर प्लस का टू जी एक्स प्लस का टू एफ वाई प्लस का सी इज इक्वल टू जीरो, ऐसी इक्वेशन आती है। अब ये अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है, इन्हीं के बारे में अपन बात करेंगे। हम जिस केस के बारे, सर्किल और लाइन को अलग करा गया है, लाइन के लिए यहाँ पे कंडीशन थी कि डी शुड बी इक्वल टू जीरो था तो लाइंस थी, और डी अगर नॉट इक्वल टू जीरो है, डी क्या था, डी हमारा किसके बराबर था, डी था ए बी सी प्लस टू एफ जी एच, याद है एक डिटर्मिनेंट भी पढ़ी थी ए एफ स्क्वायर बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, तो ये हमारा d के बराबर है। तो अगर d इक्वल टू जीरो है तब तो ये जो सेकंड डिग्री की इक्वेशन है ये पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट करती है, d इज नॉट इक्वल टू जीरो है तो फिर कॉनिक सेक्शन है। और कॉनिक सेक्शन में अलग अलग केस हैं e के ऊपर, e वन हो, e जीरो से वन हो, या तो फिर e वन से बड़ा हो, इन तीन केसेस के बारे में ये बात होती है कि दिस इज पैराबोला, दिस इज इलिप्स एंड दिस इज हाइपरबोला, ठीक है ना। अलग अलग केस को अलग अलग जगह पर पढ़ेंगे, माने मैं जब पैराबोला भी शुरू करूंगा तो पैराबोला में मैं इस केस को लेकर जाऊंगा। यहाँ पे एक कंडीशन ऐसी भी होती है कि यहाँ पे एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी के बराबर होता है, जब सॉल्व करते हैं यहाँ पे जो एच स्क्वायर है वो ए बी से छोटा और यहाँ पे जो एच स्क्वायर है वो ए बी से बड़ा हो जाता है। तो खैर अपने को भी इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं सीखनी है, बट मैं इसलिए बता रहा हूँ कि समटाइम्स इफ वी आर डीलिंग विद अ सेकंड डिग्री इक्वेशन तो थोड़ा सा ये आइडिया भी हो कि ऐसा भी हुआ था। एक छोटी सी चीज़ मैं और आपको साइड में इसलिए दिखा रहा हूँ कि हुआ ऐसा है, माने मान लो एक कॉनिकल शेप हो, हमारे पास एक कॉन हो, ठीक है ना, ये बेस हो, तो अगर मान लीजिए एक प्लेन है, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स, वो इसको ऐसे कट करके जा रहा हो लाइक दिस, तो देखो जब ऐसे कट कर जाएगा तो यहां से आपको एक पैराबोला बना हुआ नजर आएगा, समझते हैं। माने अगर एक कॉन हो और उसको आप ऐसे काट दे तो यहां पर आपको, आप काट कर देखेंगे तो आपको एक क्या बना हुआ नजर आएगा, पैराबोला। तो अलग अलग एंगल पर अगर यही प्लेन इसको ऐसे कट कर जाता सीधे सीधे तो यहाँ पे एक एलिप्स बना हुआ नजर आता, अगर ऐसे कट कर जाता तो इधर और ऊपर एक हाइपरबोला। तो एक प्लेन और एक कॉन जब अलग अलग एंगल पर काटते हैं तो अलग अलग शेप्स बनती है,
उसी लिए इसको कॉनिक सेक्शन कहते हैं। ये सारी एक छोटी सी स्टोरी है बिहाइंड दैट। अपन शुरू करेंगे पैराबोला के साथ कि पैराबोला में क्या हो रहा है इस केस के साथ, इसे लिखें और पैराबोला पर अपन आएंगे। लिखिएगा पहले इस वाली सारी की सारी चीज़ को, आप चाहें तो वो भी बना सकते हैं, कई बार थोड़ा सा काम आता है, बनाइएगा इसे, लिखिएगा।